165 सेंटीमीटर कितना फीट होता है? तो देखिए, सेंटीमीटर से हम किस में आ जाएंगे, इंच में, इंच से किस में चला जाएंगे, फीट में। तो आपको क्या मिल जाएगा, फीट इंच वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, किसको बदलना है, सेंटीमीटर को। तो एक सेंटीमीटर बराबर कितना रहता है, 1/2.54 इंच रहता है। हमेशा ध्यान रखें, जिस यूनिट को बदलना है उससे क्वेश्चन पूछो किसको बदलना है, क्या जवाब आ रहा है, सेंटीमीटर, उसका एक का वैल्यू लिख दो, ठीक है। दूसरी यूनिट में इस ए की जगह कितना चाहिए, 165, तो हम इसको 165 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर क्या बन रहा है, ए गुणा 165, 165 ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ भी ए गुणा 165, 165 नीचे बटे कितना है, 2.54 ये इंच है, तो इंच। अब मैं क्या करता हूँ, 165 भाग 2.54 कर देता हूँ, तो आपके पास आ गया कितना, 64.9606 आ रहा है। देखिए मैं यहाँ से छोड़ूंगा, जहाँ से छोड़ रहा हूँ, यदि आपका 5 से बड़ा है, यहाँ प्लस 1 करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये किस में, इंच में। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो 12 इंच है वो किसके बराबर होता है, एक फिट के बराबर होते हैं, यानी 12 इंच का मतलब क्या है, फिट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, 64 को देखिए, पॉइंट के पहले की जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, 60 + 4 लिख सकते हैं। 60 यानी कितना, 5 × 12, इसको क्या लिख दिया, 5 × 12 + 4, यह जो पॉइंट की वैल्यू है ये हम इस पॉइंट इसके साथ रख देते हैं, ठीक है। इंच है तो यहाँ भी इंच आएगा। अब 12 इंच मतलब क्या, फिट, तो क्या आ गया, 5 फिट 4.961 इंच, यानी 5 फिट 5 इंच, इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।